नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मापन, मापन की परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हम सब जानते हैं बच्चों कि मापन क्या है। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि मापन हमें संख्या प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? हमें संख्या प्रदान करता है मापन। और मापन किसी निश्चित नियम के अनुसार, किसी निश्चित नियम के अनुसार वस्तु या व्यक्ति को आंकिक स्वरूप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आंकिक स्वरूप प्रदान करता है। ये मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कौन? मापन। मापन जो कि अंकों, प्रतिशत, माध्य, माध्यिका आदि में जो जिसको व्यक्त किया जा सके बच्चों, वो मापन है। मापन मूल्यांकन में सहायक है। मापन में संख्यात्मक ज्ञान का होना आवश्यक है। मापन बालक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों माप का आकलन करता है। कोई बच्चे की लंबाई कितनी है, कोई बच्चा वजन कितना है, किसी बच्चे की मानसिक बुद्धि लब्धि कितनी है, किस बच्चे का परीक्षा परिणाम क्या रहा, जो आपका परिणाम परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है वो भी मापन के द्वारा ही संभव होता है। तो आपने जाना कि मापन के बिना मूल्यांकन संभव नहीं है। मापन जो है मात्रात्मक और परिमाणात्मक निर्णय प्रदान करता है। मापन संख्या के रूप में होता है और इनको मूल्य देना ही मूल्यांकन है। तो मापन एक संकुचित अवधारणा होने के बावजूद भी बच्चों आज भी मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है। तो क्या क्या है मापन, क्या क्या कार्य करता है वो एक बार देख लेते हैं बच्चों। मापन का पहला कार्य बच्चों भविष्यवाणी करना। आप सब जानते हैं बच्चों कोई बच्चे की मानसिक बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है, इसका मतलब है वो बच्चा जीनियस है, वो आगे जाकर के बहुत अच्छा करेगा। किसी बच्चे की लंबाई बहुत अच्छी है तो वो आगे जाकर के जो खेलकूद है उनमें बहुत अच्छा कर सकता है। इसके अलावा छात्र, शिक्षक और मनोवैज्ञानिक मापन के माध्यम से जो बच्चे के नंबर आते हैं, जैसे गणित में बच्चे के 100 में से 90 में मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि आगे जाकर के उस बच्चे को मैथ सब्जेक्ट लेना चाहिए। कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही आर्ट्स में अच्छा करता है तो आकलन के माध्यम से पता करा जाता है कि वो बच्चा जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, तो उसको आगे जाकर के वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो जो छात्र जिसमें अच्छा कर रहा है उसको आगे वही सब्जेक्ट लेने चाहिए। ये काम करता है कौन बच्चों? मापन। मापन के आधार पर जो परिणाम आते हैं उनके आधार पर शिक्षक और मनोवैज्ञानिक भविष्य में होने वाले व्यवहार का क्या लगा लेते हैं? पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अगर परीक्षा में 10th में बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, हर सब्जेक्ट में उसने अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, तो हम शिक्षक और मनोवैज्ञानिक ये कह देते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के बहुत अच्छा करेगा। बहुत मतलब वो किसी बच्चे की गणित में अच्छे नंबर आते हैं तो बोल देते हैं कि यह बच्चा अभी यांत्रिकी क्षेत्र में जाएगा। किसी बच्चे के साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हम कह देते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के साइंटिस्ट बनेगा। तो इन सब का आधार कौन है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो कौन करता है बच्चों? मापन। मापन करने के बाद शिक्षक और मनोवैज्ञानिक भविष्य में होने वाले व्यवहार का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। छात्रों को योग्यता अनुसार, अब आपको पता है मापन कर लिया, मापन के बाद छात्र की योग्यता निर्धारित कर दी, योग्यता के बाद समय समय पर टीचर और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा
उसको शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मापन का कार्य यही है कि बच्चे को योग्यता अनुसार उसको शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श दिया जा सके, उसकी योग्यता का आकलन कर सके, उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने का कार्य भी मापन ही करता है बच्चों। दूसरा है बच्चों तुलना। आप सब जानते हैं बच्चों, कक्षा में किसी बच्चे के 50% है, किसी के 60% है, किसी के 70% है, किसी बच्चे के 40% है। तो इस आधार पर हम विद्यार्थियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कक्षा, आप सब जानते हैं, मापन के माध्यम से हम सब्जेक्ट वाइज बच्चों की कक्षा को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मान लो किसी क्लास का बच्चा नवी क्लास में है, लेकिन वो नवी क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी कक्षा में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कक्षा को मिसाइड करना, विद्यार्थियों में तुलना करना, कक्षाओं में तुलना करना कि कक्षा 3C के बच्चे 3B की तुलना में अच्छे हैं, कक्षा 3A के बच्चे 3D से अच्छे हैं। तो ये सब तुलना मापन के माध्यम से ही हो सकती है। वो बच्चा उस बच्चे से अच्छा कर रहा है, वो बच्चा उस बच्चे में साइंस में अच्छे नंबर लेकर के आया है, तो वो बच्चा उस बच्चे से साइंस में अच्छा है। तो ये सारी चीजें तुलनात्मक ज्ञान जो हमें मिलता है बच्चों, वो मापन के माध्यम से करता है। मापन विद्यार्थियों में तुलना करता है, कक्षाओं में तुलना करता है, समूहों में तुलना करता है, और ये तुलना करने का कार्य भी बच्चों मापन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों परामर्श तथा निर्देशन। आपने देखा छात्र की योग्यता का हमने आकलन कर लिया, छात्र में देख लिया कौन सी योग्यता है, योग्यता अनुसार उसको शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श दिया जाता है कि उसको आगे जाकर के ये सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि वो आगे जाकर के इस व्यवसाय को चुन सकता है। बीकॉम हम कॉमर्स दिलाते हैं, कोई बच्चा साइंस मैथ्स लेता है, कोई बच्चा साइंस बायो लेता है, तो वाणिज्य लेता है, कोई कला को चुनता है। तो क्यों? क्योंकि उसके आधार पर ही उस बच्चे का आकलन हो रखा होता है, उसके आधार पर उस बच्चे को परामर्श दिया जाता है कि आपको अगर ये सब्जेक्ट लेने के बाद में आप इस व्यवसाय को चुन पाएंगे। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल है बच्चों? मापन के माध्यम से ही बच्चे को परामर्श और निर्देशन दिया जा सकता है। फिर आता है निदान। मापन के माध्यम से किसी बच्चे को अंक हमने दे दिए, उसके बाद उनके लिए निदान परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। निदान में देखा जाता है बालक के नंबर आए उसकी कमजोरियों के कारण क्या है, उसमें कौन कौन सी समस्या है, कौन सा बच्चा बाल अपराधी है। तो बाल अपराधी क्यों है, क्यों नंबर अगर बच्चे के कम आते हैं तो हम उस चीज को डायग्नोस करते हैं कि बच्चे के नंबर क्यों आए। हो सकता है वो बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है वो बच्चा समस्यात्मक हो सकता है वो बच्चा मंदबुद्धि हो। तो इन समस्याओं का समाधान या निदान हम मापन के माध्यम से ही खोज सकते हैं। तो मापन के माध्यम से मापन ये काम करता है कि बच्चे की समस्याओं को, उसकी दुर्बलताओं को क्या करता है, उसका निदान करने की कोशिश करता है, और निदान की जो है परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। निदान के अंतर्गत कठिनाइयों, कमियों, समस्याओं, इन सब को देखा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों संशोधन। अब आपने देख लिया बच्चे में क्या कमजोरी है, बच्चे की क्या समस्या है, बच्चे की क्या कठिनाई है, बच्चे के नंबर क्यों कम आए, इसका शिक्षक जांच पड़ताल करता है, और उसी आधार पर कि बच्चे ने इतना व्यवहार परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, बच्चे का ने अधिगम क्यों नहीं किया, उसके आधार पर टीचर देखता है, और टीचर अपनी शिक्षण पद्धतियों में और पाठ्यक्रम में क्या करता है बच्चों, परिवर्तन करता है। तो मापन जो है संशोधन करने का कार्य भी करता है। उसके बाद आता है बच्चों अनुसंधान तथा शोध कार्य। देखो बच्चों, मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है,
मापन के माध्यम से ही हम आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं, आंकड़ों को मापन के माध्यम से संकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। और अनुसंधान कार्य बच्चों तभी हो सकते हैं जब आंकड़ों का संकलन हो, उनका विश्लेषण हो, उनका निष्कर्ष निकाला जाए। तो ये सब मापन के माध्यम से ही संभव होते हैं। और आज हमारे शिक्षा जगत में सबसे ज्यादा जो जरूरत है बच्चों वो इसी की है, अनुसंधान तथा शोध कार्य। और अनुसंधान और शोध कार्य करने का कार्य मापन के माध्यम से किया जाता है। तो आपने मापन के कार्य देखे, मापन शिक्षक व मनोवैज्ञानिक के भविष्य में होने वाले व्यवहार का पूर्वानुमान लगाते हैं, छात्रों को योग्यता अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते हैं, विद्यार्थियों कक्षा समूह शिक्षण नीतियों में तुलना करने का कार्य मापन करता है, परामर्श और निर्देशन देने का कार्य मापन करता है कि बच्चे को किस व्यवसाय को चुनना है, किस विषय का चुनाव करना है। ये सब परामर्श और निर्देशन मापन के माध्यम से ही दिया जाता है। निदान परीक्षाओं का आकलन करना, बालक की कमजोरियों समस्याओं कठिनाइयों इन सब को जान करके उसका निदान करने का कार्य मापन करता है। संशोधन मापन के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि कहाँ कमी रह गई, उसकी जांच होती है और जांच के अनुसार शिक्षक शिक्षण पद्धतियों में और पाठ्यक्रम में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अनुसंधान तथा शोध कार्य आंकड़ों का संकलन मापन के माध्यम से होता है, मापन द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर आता है बच्चों वर्गीकरण करना, छात्रों का वर्गीकरण करना, कौन प्रतिभाशाली है, कौन समस्यात्मक है, कौन बच्चा बाल अपराधी है, कौन बच्चा औसत बालक है, कौन किस बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, किस बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है, कौन सा बच्चा साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है, कौन सा बच्चा गणित में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, कितना बच्चे अधिगम कर रहे हैं, कितना बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इन सब का वर्गीकरण करने का कार्य बच्चों कौन करता है, मापन करता है। तो ये आपने मापन के कार्य देखे, इन्हीं मापन के कार्यों के आधार पर हम इनके महत्व को निर्धारित कर सकते हैं। तो मापन का महत्व क्या क्या है वो देखिए बच्चों, छात्रों को अध्ययन हेतु और शिक्षक को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना। आप सबको पता है बच्चों कि अगर बच्चे के हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं तो वो बच्चा ईयरली एग्जाम में और अच्छी तैयारी करता है ताकि उसके जो कम मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को वो बहुत अच्छा कर सके। तो छात्र उसके लिए अध्ययन हेतु क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। तो मापन के द्वारा छात्र को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। और मान लो शिक्षक ने जो पढ़ाया था, जिस शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया और उस माध्यम से अगर बच्चे ने अच्छा नहीं सीखा तो टीचर क्या करता है, अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करता है। और जब शिक्षण विधि में परिवर्तन के बाद बच्चा बहुत अच्छा कर पा रहा है तो शिक्षण हेतु उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। मान लो आपने साइंस 10th क्लास में पढ़ाई और 5 बच्चे उसमें से मेरिट आ गए तो आप शिक्षण हेतु क्या होंगे बच्चों, प्रोत्साहित होंगे। तो मापन के माध्यम से छात्र अध्ययन हेतु प्रोत्साहित होते हैं और टीचर शिक्षण हेतु प्रोत्साहित होता है। तो आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करता है कौन बच्चों, मापन। फिर है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में सुधार। मैंने आपको बताया बच्चों सारे बच्चे किसी टॉपिक को नहीं सीख पा रहे हैं, सारे बच्चे अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो मापन के माध्यम से हमने अंक निर्धारित कर लिए तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा, हमें जिस शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बुद्धि का ज्ञान करना है, बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है जो टर्मन ने दी, उस बुद्धि लब्धि सूत्र के माध्यम से हम बच्चे की बुद्धि लब्धि का आकलन मापन के माध्यम से करते हैं।
बालक में कितनी क्षमता है, कितना वो सीख सकता है, कितना उसकी ध्यान एकाग्रता है, कितनी उसकी संवेगात्मक बुद्धि है, इन सब का आकलन। छात्र में क्या योग्यता है, वो आर्ट्स में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है या वो गणित में अच्छा है, तो इन सब की योग्यताओं को देखना, उसमें कौन सा दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, उसमें कौन सी कुशलता है और उसमें कौन सी रुचि है, इसकी जांच हम मापन के माध्यम से कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन का अवसर, आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर हमें अपना मूल्यांकन करना है तो हम अंकों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। हमने किसी विषय वस्तु को पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने जब उसका क्या किया, मापन किया कि हमने कितना सीखा, उसको अंकों में निर्धारित किया, तो हम देख पाते हैं कि हमने जो सीखा वो कितना सीखा, उस संख्या के आधार पर हम अपना बच्चों आत्म मूल्यांकन कर पाते हैं। उसके बाद आता है छात्र व शिक्षक की प्रभावशीलता को इंगित, छात्र कितना प्रतिभाशाली है या शिक्षक कितना अच्छा पढ़ा रहा है, ये प्रभावशीलता जो आती है बच्चों मापन के माध्यम से आती है। अगर बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं साइंस में तो वो समझता है कि उसमें कौन सी रुचि है, कौन सी अभिवृत्ति है या किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, ये सब ज्ञान उसको मापन के माध्यम से ही होता है बच्चों। फिर आता है विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझना। आप सब जानते हो क्लास में या स्कूल में कई शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उसके बाद उन बच्चों की परीक्षा ली जाती है, तो उस परीक्षा के आधार पर हम देख पाते हैं कि जिन शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय में किया गया वो कितना अच्छा था, कितना औसत था, तो ये सब उसकी उपयोगिता का आकलन हम मापन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण में सुधार। अगर बच्चे ने अच्छा अधिगम नहीं किया, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टीचर को अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए। तो मापन के माध्यम से ही टीचर अपने शिक्षण में सुधार कर पाता है, अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन कर पाता है। शिक्षण आव्यूह जो यूज कर रहा है, जिस विषय वस्तु को वो जिस तरीके से पढ़ा रहा है उसमें वो परिवर्तन करता है। किसके माध्यम से बच्चों? मापन के माध्यम से। अध्यापक की को अपनी कमियों का ज्ञान कि साइंस में ज्यादातर बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है टीचर जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहा है वो शिक्षण विधियों में कहीं कमी हो, तो अध्यापक अपनी कमियों को ज्ञात मापन के माध्यम से ही कर सकता है। तो ये बच्चों मापन का महत्व है। पहला है छात्र को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना और शिक्षक को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में सुधार करने का कार्य करता है। बुद्धि, क्षमता, योग्यता, दृष्टिकोण, कुशलता और रुचियों की जांच भी हम मापन के माध्यम से ही कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है मापन, छात्र व शिक्षक की प्रभावशीलता को इंगित करने का कार्य करता है मापन, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझना किसके माध्यम से? मापन के माध्यम से। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, अध्यापक अपनी कमियों को ज्ञात कर सकता है किसके माध्यम से बच्चों? मापन के माध्यम से। अब जो बच्चों देखेंगे वो है मापन की सीमाएं। क्या है मापन? आपने देखा मापन छात्र के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, मापन के माध्यम से अनुसंधान कार्य होता है, मापन के माध्यम से भविष्यवाणियां की जा सकती है, मापन के माध्यम से पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है, पाठ्यक्रम आत्म मूल्यांकन कर सकता है, बच्चे की कमियों के बारे में जान सकते हैं, उसकी योग्यताओं के बारे में जान सकते हैं, उनकी क्षमताओं के बारे में जान सकते हैं किसके माध्यम से बच्चों? मापन के माध्यम से। लेकिन मापन की अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो क्या है? देखो, बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं चलता। मापन में हम अंक दे देते हैं,
लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि बच्चे बच्चे में को किन चीजों की आवश्यकता थी जिसके कारण उसके कम नंबर आए। ये मापन के माध्यम से हम आकलन नहीं कर पाते बच्चों, इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बच्चे का देखना पड़ता है कि बच्चे की स्पेशल नीड्स क्या है, विशेष आवश्यकता वाला बालक अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक को अगर स्पेशल नीड्स दे दी जाए तो वो बच्चा का शैक्षिक निष्पादन अच्छा हो सकता है। बच्चे में हीन भावना आ रही है तो वो मापन के माध्यम से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो मापन से बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया का मूल्यांकन हम मापन के माध्यम से नहीं कर सकते। आपको पता है बच्चे की आवश्यकताएं हैं, उसका हम मापन नहीं कर सकते। बालक का को जो वातावरण विद्यालय में दिया जा रहा है उसका हम मापन नहीं कर सकते। मापन विद्यालय में कौन सी रुचि का विकास हो रहा है बालक में, उसका हम मापन नहीं कर सकते। तो मापन के माध्यम से संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का मापन संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष मूल्यांकन विधि, आप सब जानते हैं बच्चों, मापन में हम बच्चे ने पढ़ा, हमने परीक्षाओं का आयोजन किया, बच्चे को अंक प्रदान किए, तो ये अप्रत्यक्ष मूल्यांकन प्रणाली है। मापन में केवल उसको अप्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि आज जो शिक्षण पद्धति है उसमें कहा जाता है कि छात्र के हर व्यवहार का पता लगाया जा सके। तो छात्र क्या क्या व्यवहार करता है, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, उन सब का मूल्यांकन हम मापन के माध्यम से नहीं कर सकते। वैधता संचय में, आप सब जानते हो बच्चों कि मापन वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मापन किया जाए वही वैधता है। उद्देश्य सक्सेस होना चाहिए, लेकिन कई बार मापन करते हुए उद्देश्य भी संशय की स्थिति में चला जाता है, तो मापन में वैधता हमेशा संशय की स्थिति में रहती है। फिर आता है सीमित चित्र, मापन केवल उसी का किया जाता है जिसमें संख्यात्मक ज्ञान हो, जिसमें अंक के माध्यम से उसको दर्शाया जा सके, उसी वस्तु या व्यक्ति का मापन किया जा सकता है। मापन के कुछ निश्चित नियम होते हैं बच्चों, तो मापन का सीमित क्षेत्र होता है, हर चीज या हर वस्तु का हम क्या नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते। व्यक्ति के व्यवहार का, उसकी मानसिक विकास का, उसमें शारीरिक कौन कौन सी क्षमताएं विकसित हो रही है, उनका हम क्या नहीं कर सकते, हम उसका मापन नहीं कर सकते। बालक में क्या क्या संवेगात्मक विकास हो रहा है, आप उसका मापन कैसे करोगे, तो मापन एक सीमित क्षेत्र है, संपूर्ण परीक्षण नहीं। मापन के माध्यम से हम केवल मात्रात्मक परीक्षण कर सकते हैं, बच्चे का गुणात्मक परीक्षण हम मापन के माध्यम से नहीं कर सकते। मापन के माध्यम से हम परिमाणात्मक निर्णय दे सकते हैं, गुणात्मक निर्णय नहीं दे सकते, तो मापन से संपूर्ण परीक्षण संभव नहीं है। निदान व उपचार नहीं, छात्र की कठिनाइयों को समझ लिया, छात्र की समस्याओं को समझ लिया, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है वो हमें मापन नहीं बताता है बच्चों। तो मापन का महत्व होने के बावजूद भी मापन की कुछ सीमाएं हैं बच्चों। पहली सीमा है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होता है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन संभव नहीं है मापन के माध्यम से, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन विधि है, वैधता हमेशा मापन में संचय की स्थिति में बनी रहती है, सीमित क्षेत्र है, संपूर्ण परीक्षण इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता, और निदान व उपचार भी इसके माध्यम से पॉसिबल नहीं है। तो आज आपने मापन के कार्य, मापन का महत्व और मापन की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया। तो आप चाहते हैं बच्चों, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जिनका सिलेबस मैं आपको करवा रही हूँ, पेपर 9 अधिगम के लिए आकलन यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है आपका बच्चों मापन, तो मापन को ध्यान से समझने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखें, और वीडियो जारी रखने के लिए
आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल ग्रुप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।